आपको नीचे साइड में दिखाया जा रहा है कितना है 940 रुपये इस ट्रेन टिकट का कीमत। लेकिन जब आप किसी और के पास निकालने जाते हो तो आपके पास ले लेता है 2500, 3000 या 3500। तो गरीब भाई जो है मतलब कभी बाहर कमाने के लिए जाता है और उनके पास इस तरह से पैसा ठग लिया जाता है। तो मैं आज इसलिए आपको फर्स्ट वीडियो लाया हूं ताकि आप लोग अपने मोबाइल से अपनी टिकट ट्रेन टिकट को निकाल सको। तो आज की वीडियो फुल देख लेना और अपने ही मोबाइल से टिकट को निकालना ताकि 3000-3500 की जगह आपको सिर्फ 940 ही लगे। तो आज की वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। ये देख लो 2500 से भी कम रुपया में आपको एसी में मिल जाएगा, यानी कि सेकेंड या थर्ड एसी में आपको 2420 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन आपके पास सिल्वर देखे 3000-3500 रुपया ले लेता है, इसलिए मुझे बड़ा गुस्सा है। इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ, आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेना, अपने मोबाइल से टिकट को निकाल लेना ताकि आपकी बाकी के पैसा बच जाए। दोस्तों अगर आज आप लोग फुल वीडियो को देख लेते हो तो अपने मोबाइल से टिकट बनाना सीख जाओगे, चाहे ट्रेन का हो गया, प्लेन का हो गया या बस का हो गया। आपको पता है जो मैंने पहले प्रूफ दिखाया आपको 900 की जगह 2500 रुपया हर टिकट में ले लेता है। तो अपनी मेहनत की पैसा किसी को देना नहीं है। तो आज के वीडियो आपको फुल देख लेना और अपना टिकट बनाने के लिए एक ऐप्स की ज़रूरत पड़ेगा जो आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, इसका नाम है IRCTC रेलवे कनेक्ट। आपको प्ले स्टोर में जाके इस तरह से सर्च कर लेना, जाओ सर्च करके डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड जैसे ही करोगे उसके बाद इस ऐप को ओपन कर लेना। बड़ा इजी प्रोसेस है जो आपको डिस्प्ले में शो हो रहा है। तो आप जैसे आप डाउनलोड करोगे उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना। जैसे आप ओपन करोगे, ओपन करने के बाद एक इस तरह का पेज आ गया, अलर्ट वाला पेज। आप चाहे तो पढ़ सकता है, अदरवाइज इसको ओके करके छोड़ सकता है। जैसे आप ओके करके छोड़ोगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा और यहाँ आपको तीन ऑप्शन दिख जाएगा। पहले तो है माय प्लान जर्नी और माय बुकिंग, तीसरा है PNR इंक्वायरी। यानी कि पहले जो आपको ऑप्शन दिखेगा वहाँ से आप कहीं का भी टिकट निकाल सकते हो। जो दूसरा वाला ऑप्शन आपको दिखेगा माई बुकिंग, आपने कौन सा बुकिंग किया है वो दिखेगा। तीसरा PNR जो है आप वहाँ से अपना टिकट को चेक कर सकते हो टिकट का नंबर डाल के। तो दोस्तों यहाँ और भी बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा। आप यहाँ से जो बुकिंग मेंटेन फ्लैट्स टूरिस्ट बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप खाना का ऑर्डर कर सकते हो, प्लेन का टिकट बना सकते हो या टूरिस्ट यानी कि कहीं आप घूमने जाओ तो उसके लिए भी टिकट निकाल सकते हो। लेकिन आपको अकाउंट बनाने के लिए यहाँ जो लॉगिंग वाला ऊपर ऑप्शन दिख रहा है आपको राइट साइड से कॉर्नर में सबसे ऊपर, आपको इस पर टच कर लेना। जैसे आप टच करोगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा खोल के, यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ आपको अगर आपने पहले से अकाउंट बना के रखा तो यहाँ यूजर नाम और पासवर्ड डाल के यहाँ कैप्चा फिल करना है, ज़रूरी है। कैप्चा फिल करके अपना लॉगिन कर सकता है। अगर आपको नहीं है पहले से अकाउंट कोई तो आपको क्या करना है, यहाँ जो रजिस्टर देख रहा है आपको रजिस्टर यूजर, आपको इस पर सिंपली ओके कर लेना है। जैसे आप सिंपली रजिस्टर यूजर पे ओके करोगे कुछ इस तरह से इंटरफेस खोल के आ जाएगा। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ अच्छी तरह से समझ लेना है, तभी आपको मतलब आप अपने आप से टिकट बना पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना, उसके बाद ईमेल एड्रेस डाल देना है। जो आपके यहाँ एड्रेस मांगता है, जो रिक्वायरमेंट है, इसको यहाँ से आपको अपना खुद का पासवर्ड क्रिएट कर लेना है ताकि यूनिक हो, यूजर नाम भी यूनिक होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ क्या करना चाहिए, आपको डेट ऑफ बर्थ दे देना है और कोई भी सिक्योरिटी के लिए आपको क्वेश्चन दे देना। अगर कहीं आप पासवर्ड भूल जाते हैं उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है यहाँ से आपको दे देना। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट वाले जो पेज है आपको उस पर ओके कर देना है। तो मैं इसको जल्दी से अपना फिल कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ ताकि आप लोगों को लेट ना हो, आप लोगों का समय बच जाए। और आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ फुल फिल कर लिया, बस थोड़ा सा ब्लर किया सिक्योरिटी के लिए। और जब इस तरह से हो जाएगा तो यहाँ जो आपको सबसे नीचे नेक्स्ट वाला पेज दिखाएगा, आपको नेक्स्ट पे ओके करना है। फिर से आपको यहाँ जो रिक्वायरमेंट है सब कुछ यहाँ फुलफिल कर लेना है। आप खुद समझदार है, खुद से कर सकते हो। अगर मैं करके बताऊंगा तो बहुत सारे लेट होगा। तो जब आपका सब कुछ फिल हो जाएगा और नेक्स्ट को ओके करोगे तो कुछ इस तरह से रजिस्टर वाला लास्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ भी सब कुछ डाल देना है, अपना मोबाइल नंबर जो यहाँ रिक्वायरमेंट है सब कुछ डाल देना है। डालने के बाद यहाँ रजिस्टर नाउ पर आपको ओके कर लेना है। जैसे कि मैंने सब कुछ डाल दिया ये, और यहाँ मैं रजिस्टर पे ओके कर देता हूँ। जैसे मैं रजिस्टर पे ओके करता हूँ कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, सॉरी कुछ ऐड आ गए, यहाँ से आपको इसको क्लोज कर देना है। करने के बाद कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाएगा और आने के बाद यहाँ आपको दिखेगा कॉन्ग्रेचुलेसन, यानी कि आपका जो ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, सब कुछ वेरीफाइड हो गया और इन पर आपका अकाउंट खोल गया। तो यहाँ आप पढ़ लेना, अदरवाइज यहाँ से जो आपको ओके वाला ऑप्शन दिखेगा सबसे नीचे यहाँ, तो आपको यहाँ से ओके कर लेना है। मैं आपको करके बता देता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे ओके करोगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा और आपको फिर से यहाँ से लॉगिन कर लेना है। यानी कि जो आपने यूजर नेम और पासवर्ड दिया आपको तो ज़रूर याद होगा, यूजर नेम पासवर्ड यहाँ डाल देना है। और यहाँ कैप्चा जो आपको दिख रहा है आपको कैप्चा शो यहाँ फिल कर देना। करने के बाद यहाँ जो लॉगिंग वाला ऑप्शन दिखेगा आपको इस पर टच कर लेना है और लॉगिंग हो जाना है आपकी अकाउंट पर। जैसे आप कैप्चा सैप्चा सब कुछ फिल कर दोगे और यहाँ लॉगिंग वाला ऑप्शन पर करोगे तो कुछ इस तरह से थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। वेरीफाइड यूजर हो रहा है, यानी कि वेरीफाइंग यूजर, और कुछ इस तरह से इंटरफेस खोल कर आएगा। चाहे तो आप पासवर्ड को गूगल पे सेव कर सकते हैं, अदरवाइज से हटा सकते हो। सबसे ऊपर आपका मोबाइल नंबर जो है उसे वेरीफाइड करना है। उसके लिए यहाँ रिसेंट ओपीटी, अगर पहले से आपको ओपीटी मिल गया तो उसको नंबर डाल देना है, या तो आपको सेंड ओपीटी पे ओके करना है। करने के बाद जो नंबर आएगा आपको ओपीटी दी जाएगा, या एंटर ओपीटी सेंड टू योर मोबाइल नंबर, यहाँ आपको डायल कर देना है तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। दूसरे बात सेम प्रोसेस से यहाँ आपको ईमेल को भी ओपीटी के जरिए आपको उसी ईमेल पे मेल किया जाएगा जो आपने यहाँ सिलेक्टेड किया है, और वहाँ से ओपीटी लेके यहाँ डायल कर देना, और करने के बाद यहाँ वेरीफाई यूजर पे ओके कर देना है आपको। और उसके बाद मैं आगे की प्रोसेस बताता हूँ, मैं सब कुछ कर लेता हूँ फिर आगे की प्रोसेस आपको बता देता हूँ जल्दी। तो आप देखिए मेरा ईमेल पे मेल आ चुका है, जो मेरा ओपीटी है मैं यहाँ डाल दिया, और यहाँ से मेरा कॉन्ग्रेचुलेसन यानी कि सक्सेसफुल ईमेल आईडी वेरीफाइड हो गया। यूज़र आईडी वेरीफाइड आपको दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, और एक बार यहाँ से आपको लॉगिंग कर लेना है जो फाइनल लॉगिंग है। जैसे आप यहाँ लॉगिंग करोगे एक पिन जनरेट करने को बोलेगा 4 अक्षर का, जो आपको आगे चलकर बहुत काम आएगा। यानी कि आपने कभी लॉग आउट कर दिया, लॉगिंग कर दिया, या दूसरे मोबाइल पर इस अकाउंट को खोलना चाहते हो तो उसके लिए जैसे आप यहाँ लॉगिंग करोगे कैप्चा सबसे सब कुछ फिल करके, तो मैं जल्दी से फिल कर लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मैं इसे लॉगिंग करूँगा यहाँ से मुझे पिन को जनरेट करने के बोलेगा जो 4 अक्षर का होगा, मतलब बहुत इजी होगा। मैं 4 अक्षर का पिन जनरेट कर लूँगा जो मुझे याद रहेगा, और मैं जनरेट कर लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए यहाँ मैं टाइप कर दिया, जनरेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा हाइड किया हूँ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप भी यहाँ से जनरेट कर लेना, और करने के बाद यहाँ लॉगिंग को ओके कर देना है आपको। तो जैसे आप यहाँ ओके कर दोगे तो आपका अकाउंट बन के तैयार हो जाएगा, और होने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। ऊपर जो आपको 3 ऑप्शन दिखेगा सब कुछ यहाँ से आप कर सकते हो, और बड़ी इजी प्रोसेस से आपका अकाउंट बन चुका है। यानी कि वहाँ से आप टिकट निकल सकते हो, कहाँ का टिकट है आप देख सकते हो, कौन सा टिकट को बुकिंग किया है, अपना टिकट को चेक भी कर सकते हो, सब कुछ यहाँ से कर सकते हो। लेकिन हाँ, वीडियोस बड़ा हो जाएगा इसलिए सिर्फ मैं आपको बताया कि आप अपना किस तरह से अकाउंट बनाओगे टिकट निकालने के लिए, और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा किस तरह से आप अपना टिकट को बुकिंग कर सकते हो, सब कुछ बताऊँगा आपको, मतलब A to Z बताऊंगा। यार बड़ा गुस्सा आया जब कोई 2500 रुपये लेता है 900 की जगह, यार मेहनत की पैसा, गरीब भाई को पैसा। तो यहाँ से आप टीसन सिलेक्ट करके किस तरह से टिकट को निकालोगे, किस तरह से टिकट को बुकिंग करोगे, इसका नेक्स्ट वीडियो है, ज़रूर देखना। और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, इसलिए क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो टिकट बुकिंग करने का आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत काम का है। मैं इसी वीडियो में बता देता, लेकिन यार वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, यानी कि शायद 9 से 10 मिनट का हो चुका है, और सब कुछ बताऊंगा तो 20-25 मिनट का हो जाएगा, आप लोग बोरिंग हो जाओगे। इसलिए मैं नेक्स्ट पार्ट इसका ज़रूर लाऊंगा।